हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम लौकी से बहुत ही कम तेल का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। इस नाश्ते की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम आधा कप सूजी लेंगे। अब हम लेंगे आधा कप चावल का आटा। चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप इसमें एक कप सूजी भी ले सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप फ्रेश दही डालेंगे, आधा कप पानी और अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए अलग रखेंगे। और अब हम लेंगे एक छोटे साइज की लौकी। इसमें से हमें आधी लौकी को लेना है। लौकी को हम छिलकर अच्छे से धो लेंगे। आधी लौकी को हमने छिलकर अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे बारीक वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। हमें इस रेसिपी में एक कप ग्रेटेड लौकी लेना है। लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे कप से मेजर करके भी देख लेंगे। अब हम इसे अलग रखेंगे। 15 मिनट बाद अब हम बैटर को चेक करेंगे। सूजी और चावल का आटा भी अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें ग्रेटेड लौकी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, साथ में 1/4 कप पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, लौकी में भी काफ़ी मात्रा में पानी होता है। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इनो। इनो को एक्टिव करने के लिए इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद बैटर को हमें ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है, तुरंत हम नाश्ता बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन में 1 टीस्पून तेल डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से तेल, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। कुछ सेकंड इसे फ्राई करते हुए मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब हम इसमें बैटर डालेंगे। बैटर को अच्छे से फैला देंगे। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब हम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट या जब तक कि ऊपर से ड्राई नहीं हो जाता है तब तक हम इसे ढककर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद अब हम इसे चेक करेंगे। ऊपर से ये अच्छे से ड्राई हो गया है तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और अब हम इसे पलट देंगे और अब हम इसे दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक ढककर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को आप गर्मा गर्म कोकोनट की चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लौकी से बना बहुत ही हेल्दी कम तेल का ये टेस्टी नाश्ता आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।